इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। खगोल शास्त्री काल सेगर ने कहा था, कोशिश कामयाब नहीं हुई। अगर हमें कभी संकेत प्राप्त होते हैं। दरभंगा निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार उदयन मिश्रा द्वारा तारामंडल सौ ज्ञान विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में प्रभारी पदाधिकारी सह प्राचार्य दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा संदीप तिवारी के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत निदेशक द्वारा समीक्षा बैठक कर विभिन्न समस्याओं के निदान के साथ तारामंडल को 15 जून 2023 से संचालन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि तारामंडल भवन का हस्तांतरण अतिशीघ्र संवेदक से लिया जाए। उन्होंने संवेदक के प्रतिनिधि तथा कार्यपालक अभियंता भवन संरचना प्रमंडल दरभंगा को निर्देशित किया कि तारामंडल देखने आने वाले आमजन की सुविधा के लिए तारामंडल सौज्ञानी विज्ञान संग्रहालय दरभंगा के नाम का इंडिकेशन साइनेस बड़े साइज में तारामंडल गेट संख्या 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज कैदराबाद दरभंगा चौक एवं दिल्ली मोड़ के पास लगवाया जाए। तारामंडल के चार दीवारी की ऊंचाई को बढ़ाया जाए एवं उस पर कंटीला तार लगवाया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा तारामंडल के सामने सड़क पर जलजमाव की समस्या के निदान हेतु नगर आयुक्त दरभंगा को नाला निर्माण हेतु अनुरोध पत्र देने हेतु निर्देशित किया गया। प्रभारी पदाधिकारी तारामंडल को निर्देशित किया गया कि 15 जून 2023 से आमजन के लिए तारामंडल को संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, लोक मीडिया, सरकारी प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्य, पैम्पलेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से करवाए, ताकि आमजन को तारामंडल खुलने की जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि तारामंडल में आमजन को शो देखने हेतु ऑनलाइन विशेष परिस्थिति में ऑफलाइन माध्यम से टिकट बुकिंग का प्रावधान है। तारामंडल किसी शहर में हो और राजधानी के बाद दूसरा राजधानी दरभंगा है जहाँ तारामंडल बना, तो निश्चित रूप से केंद्र और राज्य की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि दरभंगा की जरूरत को देखते हैं। दरभंगा जहाँ दो यूनिवर्सिटी है, म्यूजियम है और मिथिला का राजधानी, आम लोग तारामंडल का लाभ उठाते हैं। और अभी महंगाई के ज़माने में 100 रुपया अधिकतम शुल्क होना चाहिए था, 50-100 रुपया होता तो सामान्य आदमी को तारामंडल देखने का लाभ मिलता। अगर संशोधन करने का अगर संभव हो तो जिला पदाधिकारी पर विचार करें। 50 रुपया यहाँ का जो जन सामान्य का आर्थिक स्थिति को देखते हुए 50-100 रुपया तो उचित लगता है। 100-200 थोड़ा महंगा है, आम आदमी नहीं जा पाएगा, मतलब अमीर के बच्चे जा पाएंगे, लेकिन सामान्य जनमानस अगर तारामंडल का लाभ तब उठाएंगे जब 50-100।